सब नॉन अवेलेबल है। 307 था, 333 था, 392 सच एंड सच बहुत था, बहुत सेक्शन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शिकंजे में शाहजहां और आपकी साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। पश्चिम बंगाल की संदेशखाली हिंसा की मास्टरमाइंड शाहजहां शेख को पुलिस ने दबोच लिया है। शेख की गिरफ्तारी के बाद गेंद सीआईडी के पाले में पहुंच गई है। ममता सरकार केस की जांच सीआईडी से करवाने का फैसला कर चुकी है। इस मामले में सियासी बयानबाजी का दौर भी जोरों शोरों से जारी है। एक तरफ टीएमसी राजधर्म का पाठ पढ़ा रही है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी शेख गिरफ्तारी पर अपनी पीठ थपथपा रही है। बीजेपी का कहना है कि हमारी पुरजोर लड़ाई ने बंगाल सरकार को घुटनों पर ला दिया। संदेशखाली की महिलाओं को शेख पर सख्त कार्रवाई की उम्मीद है, जिससे कि वो इलाके में कभी लौट कर ना आ सके। सब नॉन अवेलेबल है। 307 था, 333 था, 392 सच एंड सच बहुत था, बहुत सेक्शन है। संदेशखाली हिंसा के मुख्य आरोपियों और टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। 53 वर्षीय तृणमूल नेता को उत्तर 24 परगना के मिनाखान इलाके से उठाया गया, जहां वो अपने सहयोगियों के साथ छिपा था। इस गिरफ्तारी के बाद बंगाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। ममता बनर्जी की सरकार ने इस पूरे केस की जांच का जिम्मा पश्चिम बंगाल सीआईडी को सौंपा है। सीआईडी ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ दर्ज मामलों की जाँच को अपने हाथों में लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। शाहजहां शेख मामले की जाँच करेगी सीआईडी। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोप में पश्चिम बंगाल पुलिस ने उत्तर 24 परगना जिले के मिनाखान इलाके से टीएमसी नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया है। संदेशखाली हिंसा के मुख्य आरोपी के रूप में बशीरहाट कोर्ट ने उसे 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। ममता सरकार ने मामले की जाँच का जिम्मा पश्चिम बंगाल सीआईडी को सौंपा है। बंगाल सरकार के इस एक्शन के बाद अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। 10 दिन की पुलिस कस्टडी में शाहजहां शेख। हालांकि शाहजहां शेख हिंसा के बाद से 1 महीने से अधिक समय से राज्य और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी से बच रहा था, जिसे मिनाखान से दबोच लिया गया, जिसके बाद अदालत में पेशी के दौरान बंगाल पुलिस ने शेख को 14 दिन की हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने 10 दिन की पुलिस हिरासत की मंजूरी दी। 14 दिन पीसी मांगा था, लेकिन 10 दिन अलाउ हुआ और नजर आठ में वो सोनारिस का प्यार था, वो अलाउ हो गया। कंप्लेंट तो वो जो ईडी का डिप्यूटी डायरेक्टर था उसने एक ही केस में नहीं, 2 केस में, एक पुलिस ने सुमोटो किया उस केस में भी वो नजर 8 है, और ये जो डिप्यूटी डायरेक्टर किया था ईडी का वो नजर 9 है। 9 में 10 दिन पीसी अलाउ हुआ और वो 8 में सोनारिस्ट का प्यार अलाउ हुआ। इतना सारा सब नॉन अवेलेबल है। 307 था, 333 था, 392 सच एंड सच बहुत था, बहुत सेक्शन है। ये नजर 9 का एक केस था जो 5/1/2024 में हुआ था, और नाजाट 8 दोनों केस में, एक केस में पीसी मांग रहा था पुलिस ने, 14 दिन का पीसी मांग रहा था, 10 दिन अलाउ हुआ, ठीक है। और एक केस में सोना अरेस्ट किया है, नाजाट 8/2024, इस केस में सोना अरेस्ट हुआ है। और उस केस में 14 डेज का पीसी मांगा था, उसमें 10 डेज अलाउ हुआ है। लाइनेट को 10 डेज के लिए पीसी अलाउ किया है। इसमें वो जो ईडी ऑफिसर्स जो संदेशखाली में जाकर उनके बाड़ी जाकर जो उनको नोटिस सर्व बाय इन्वेस्टिगेशन पर्पस उनको तरह मीट करने जा रहा था, उसमें उन्होंने इंस्टिगेट किया। कुछ लोगों ने मिलकर ईडी ऑफिसर्स पर कुछ अटैक हुआ था, उसमें बहुत सारे ईडी ऑफिसर्स इंजर्ड हुआ, ग्रीवियसली इंजर्ड हुआ था। अपराधी राज खत्म होना चाहिए, राज्यपाल बोस। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने संदेशखाली मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल के कई इलाकों में राज कर रहे अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने का वक्त आ गया है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शाहजहां की गिरफ्तारी को आंखें खोलने वाली बताया और कहा कि यह केवल शुरुआत है। राज्यपाल ने कहा, यह एक अंत की शुरुआत है। हमें बंगाल में हिंसा के चक्र को समाप्त करना होगा। बंगाल के कुछ हिस्सों में गुंडे राज कर रहे हैं, यह समाप्त होना चाहिए और गैंगस्टर को सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। The arrest of the prime accused in the Sandeshkhali incidents is an eye opener for everyone. This is only the beginning. I hear the death throes of an old order and the birth pangs of a new one. We have to put an end to violence in Bengal. In many pockets of Bengal, we all realize that gangsters are ruling the roost, unchecked by law enforcing agencies. This is not just a contemporary phenomenon. This is a continuation of what has been there. We have to stem the rot. What we see is only tip of the iceberg. Last election, panchayat elections, I had the opportunity to go to the field, interact with the people, interact with the victims and the prey. I can gather that this, what the people call, the Gunda Raj, is very much there in many pockets of Bengal. Strong action has to be taken. This has to be nipped in the bud. That is the exercise which we should all focus on in the coming days. शाहजहां शेख पर हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी। संदेशखाली हिंसा के आरोपों में घिरे शाहजहां शेख पर कलकत्ता हाई कोर्ट का कड़ा रुख सामने आया है। ऐसे में संदेशखाली के तृणमूल नेता शेख शाहजहां का कानूनी संकट और बढ़ गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शेख की गिरफ्तारी के बाद पेश हुए वकील के तत्काल सुनवाई के अनुरोध को खारिज कर दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि वह उनके प्रति कोई सहानुभूति व्यक्त नहीं करना चाहता है। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कठोर टिप्पणी की और कहा कि हमें शाहजहां शेख से कोई हमदर्दी नहीं है। शाहजहां के वकील सब्यसाची बंदोपाध्याय ने जब मुख्य न्यायाधीश TS शिवाग्नम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया तो उन्हें देखकर चीफ जस्टिस ने कहा, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। शाहजहां शेख के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि जब शाहजहां को गिरफ्तार किया गया था तब उनकी अग्रिम जमानत याचिका लंबित थी और उन्होंने अदालत से मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया। चीफ जस्टिस ने तत्काल सुनवाई से मना कर दिया। शाहजहां शेख के वकील की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका लंबित होने के बाद भी गिरफ्तारी और कोर्ट की टिप्पणियों पर सुनवाई की मांग रखी गई थी। कोर्ट ने शाहजहां के वकील सब्यसाची से कहा कि तुम्हें अगले 10 साल तक बहुत व्यस्त रहना होगा, 4-5 जूनियर वकील रखना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी कर कहा कि मुझे इस व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं है। शाहजहां शेख पर 42 से अधिक केस दर्ज। संदेशखाली हिंसा के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख के खिलाफ 11 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। नजट थाना में शेख शाहजहां के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 341, 186, 353, 323, 427, 370, 506, 34 सहित कुल 11 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इसमें कोई यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म का मामला नहीं है। इसके अलावा 43 अन्य मामले भी हैं जो शेख के खिलाफ पहले से दर्ज हैं। फरार था टीएमसी नेता शाहजहां शेख। दरअसल पश्चिम बंगाल के संदेशखाली के पास प्रवर्तन निदेशालय का दस्ता महीने भर पहले भ्रष्टाचार के मामले में टीएमसी से नाता रखने वाले आरोपी शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी के लिए पहुंचा था। तब कार्रवाई करने गई ईडी टीम पर भीड़ ने हमला बोल दिया और उसके बाद से ही शाहजहां शेख फरार हो गया। फरारी के दौरान शाहजहां 1 महीने के अधिक समय से राज्य और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी से बचता रहा, जिसे पुलिस ने आखिर दबोच लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। सब नॉन अवेलेबल है। 307 था, 333 था, 392 सच एंड सच बहुत था, बहुत सेक्शन है। सब नॉन अवेलेबल है। 307 था, 333 था, 392 सच एंड सच बहुत था, बहुत सेक्शन है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ टीएमसी के बीच जुबानी जंग भी जोरों पर है। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला, तो वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर कई तरह के सवाल उठाए। तो उधर संदेशखाली की महिलाएं शेख की गिरफ्तारी पर जश्न मनाती हुई नजर आई। महिलाओं ने मिठाई बांटकर अपनी खुशियां मनाई। ये रिपोर्ट आप देखिए। शाहजहां शेख गिरफ्तार, CID तक जाँच। संदेशखाली कांड के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के बाद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। ममता सरकार ने शाहजहां शेख से जुड़े पूरे मामले की जांच CID को सौंप दी है। राज्य के उत्तर 24 परगना जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। शेख से पूछताछ के लिए भवानी भवन यानी बंगाल पुलिस मुख्यालय लाया गया। दरअसल कथित राशन घोटाले में उनके घर पर छापेमारी के दौरान 5 जनवरी को ED के अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में उन्हें 2 मामलों में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि उन पर IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 147 दंगा और 307 हत्या का प्रयास शामिल है। TMC और बीजेपी में जुबानी जंग। संदेशखाली हिंसा के मास्टरमाइंड और TMC नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। जहां TMC राजधर्म का पाठ पढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी शेख गिरफ्तारी पर अपनी पीठ थपथपा रही है। TMC ने बीजेपी को राजधर्म सीखने की बात कही, तो बीजेपी ने शेख की गिरफ्तारी का श्रेय अपने नेताओं के प्रदर्शन को दिया। बीजेपी सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी से पहले वह ममता सरकार के संरक्षण में एक सुरक्षित घर में थे। अब उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार के मेहमान नवाजी के तहत रखा गया है। गायब रहने के बाद अचानक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई। अब यह सोचने वाली बात है कि जैसे ही कोर्ट ने ED के मामले में गिरफ्तारी का प्रोविंशन हटाया गया, पहली बात संदेशखाली के विषय पर महिलाओं के अत्याचार की कोई भी धारा, बलात्कार या बलात्कार के लिए प्रेरित करने की कोई भी धारा नहीं लगाई गई है। दूसरी बात यह भी बहुत साफ हो गया कि जो पश्चिम बंगाल सरकार स्टैंड ले रही थी कि गिरफ्तारी पर रोक है, उसका संदेशखाली के गुनाहों से कोई लेना देना नहीं था। तीसरी बात उन्होंने जो ED के विषय के ऊपर गिरफ्तारी की रोक हटने के बाद गिरफ्तार किया, तो मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूं कि यदि आपने ED के विषय पर गिरफ्तार किया है, तो पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें ED को क्यों नहीं सौंप दे रही है? मतलब बहुत साफ है कि अभी तक इस बात को पूरे संदेह के साथ कहा जा सकता है, बल्कि पुख्ता संदेह के साथ कहा जा सकता है कि शाहजहां शेख महफूज ठिकाने पर ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था और अब उसे दोबारा हिफाजत देने के लिए ताकि वह ईडी और सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार न किया जा सके, वो पश्चिम बंगाल पुलिस की मेहमान नवाजी में चला गया है। बीजेपी ने इस गिरफ्तारी को पूर्व नियोजित करार दिया और कहा कि शेख पश्चिम बंगाल पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा में था। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि यह गिरफ्तारी नहीं है, यह एक आपसी समायोजन है। जब तक केंद्रीय एजेंसियां उसे अपनी हिरासत में नहीं लेती, लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। पूरा जनता का रोष, जुडिशियरी का रोक और भाजपा की लड़ाई और मीडिया की लगातार कोशिश और खास करके संदेशकाली का मातृशक्ति देवी शक्ति का लड़ाई, इसका सब मिला के मजबूरी से काम किया। ये कोई इंसिडेंट भी नहीं है, मजबूरी में और विद द एश्योरेंस दैट शाहजहान विल गेट बेल विद इन अर्ली पीरियड एंड ही विल बी हियर विद इन फ्यू डेज, एश्योर्ड बाय द पुलिस मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि ये गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि उन्हें ममता सरकार ने आश्वासन दिया है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, आपको फोन का उपयोग करने की अनुमति होगी। अधिकारी ने कहा कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी लोगों के लगातार दबाव और भाजपा की लड़ाई के कारण हुई है। संदेश खाली, यह देवी शक्ति की आवाज है, दोषी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। This statement is very practical. Please transfer this case to Central Bureau of Investigation. Code, if necessary, code monitoring also good. The people of Sandeshkhali want justice. They want justice. Judiciary will give justice. It's my कॉन्फिडेंस एंड पूरा उम्मीद है कि जुडिशरी ये लोग को न्याय दिलाएगी। टीएमसी ने शाहजहां शेख को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने शाहजहां की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसे पार्टी से निलंबित करने की घोषणा की। ब्रायन ने कहा, हमने शाहजहां शेख को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित करने का फैसला किया है। हमेशा की तरह हम जो कहते हैं वह करते हैं। हमने अतीत में उदाहरण स्थापित किए हैं और हम आज भी ऐसा कर रहे हैं। ब्रायन ने अपनी पीसी में बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हम भाजपा को उन नेताओं को निलंबित करने की चुनौती देते हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार समेत कई आपराधिक मामले हैं। The All India Trinamool Congress have decided to suspend Sheikh Shahjahan from the party for 6 years. Read my lips. Suspend him for 6 years. Why? Because there are two types of parties. One type of political party, there's talk, talk, talk. But the Trinamool Congress does walk the talk. This is not the first time we are doing it. We have done it in the past. बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के अशांत क्षेत्र संदेशखाली के लोगों ने महिलाओं का यौन शोषण करने और इलाके में जमीन हड़पने के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी का जश्न मनाया। महिलाओं ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी और खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हम बस यही आशा करते हैं कि उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाए और वह इस इलाके में कभी लौटकर न आ सके। महिलाओं का कहना है कि उसने इलाके के कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। एक महिला ने कहा कि हमें उम्मीद है कि उसके अन्य सहयोगियों को भी सलाखों के पीछे डाला जाएगा। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी तब हुई है जब हाईकोर्ट का पूरा दबाव आया और हाईकोर्ट के दबाव के 2 दिन के अंदर अंदर वो गिरफ्तार हो गया। इसका मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये टीएमसी की सौजन्य से 55 दिन उसको नहीं पकड़ा गया। ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये टीएमसी की लीडर है, ये टीएमसी की संरक्षण में रहा है, उस समय भी रहा जब संदेशखाली को लूटा जा रहा था, उस समय भी रहा जब एफआईआर दर्ज हुआ और उसको गिरफ्तार होना था, उस समय भी टीएमसी संरक्षण में रहा। तो टीएमसी का जो असली चेहरा है वो बिल्कुल स्पष्ट सामने आया। कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दूर सुंदरबन की सीमा पर स्थित संदेशखाली क्षेत्र के लोग टीएमसी के स्थानीय नेता शाहजहां शेख और उसके समर्थकों के खिलाफ यौन शोषण और जमीन हड़पने के आरोपों को लेकर 1 महीने से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कथित राशन घोटाले के सिलसिले में शेख के घर पर छापा मारने गई ईडी टीम पर 5 जनवरी को लगभग 1000 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया था, जिसके बाद से शेख फरार था और मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। सब नॉन अवेलेबल है। 307 था, 333 था, 392 सच एंड सच बहुत था, बहुत सेक्शन है।